हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी मिठाई पेड़ा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 1 कप के करीब मैंने मावा ले लिया है और घर का बनाया हुआ मावा है, छोटे कप से 1 कप के करीब बूरा, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिलता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है मैंने और 4 छोटी इलायची। इससे आज बहुत ही टेस्टी पेड़ा बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमने रख दिया है कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए, तो कढ़ाई गर्म हो गया था। इसमें डाल लेते हैं खोआ को और इसे अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। बिल्कुल गैस को अब मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए बिल्कुल फ्राई करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी टिप सबको बताने वाली हूँ, जो कि इसमें डालेंगे देसी घी। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ और इससे क्या होगा कि ये जो खोआ है ना, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम पेड़ा बनाएंगे ना, बहुत ही चिकना चिकना हमारा पेड़ा बनेगा। तो चलिए इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ये बहुत ही जल्दी, ये देखिए खोआ है, डालते ही घी हमारा सॉफ्ट होने लग जाता है। तो ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और करीब 1 मिनट और इसे हम फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारा खोआ भुन जाए। और ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और ये भून कर तैयार हो गया है। तो चलिए अभी गैस को कर लेते हैं बंद। खोआ हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। गैस को कर लेते हैं अभी बंद। और गैस बंद करने के बाद कम से कम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक ड्राई फ्रूट्स की तैयारी कर लेते हैं। ये 4 छोटी इलायची थी, इसको मैं खल में बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में भी बना सकते हैं। और इसके जो छिलके हैं ना, उसको बिल्कुल अलग हटा लेंगे, बिल्कुल पाउडर इसमें डालेंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उसको भी मैं खल में बिल्कुल बारीक पाउडर बना लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी जार में बना सकते हैं। मावा यानी खोया हमारा हल्का गर्म है, तो हम इसमें डाल लेते हैं बूरा। 1/2 कप के करीब डाल रहे हैं इसमें। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ड्राई फ्रूट्स पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं, इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से मिठाइयों में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से खोया के साथ मिक्स कर लेंगे। हमें तब तक इसको मिक्स करना है जब तक पूरी अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। और इस तरह से मिक्स कर हमें तैयार कर लेना है। चलिए अब हम इससे बना लेते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ा, अच्छे अच्छे शेप में, अपने पसंद के शेप में बनाएंगे। तो इस तरह से गोल सा एक बॉल लेंगे और इसको हल्का सा इस तरह से दोनों हाथों से चिकना सा एक बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद इसको हल्का सा दबाते हुए इसको एक शेप देंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो, आप उस शेप में पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से सभी पेड़े को तैयार करना है बनाकर। और ये लगभग सभी को पसंद आता है, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे, सभी को पसंद आता है। बच्चे को तो बहुत ही पसंद आता है। सभी पेड़े बनकर तैयार हो गया, तो इसे रख देते हैं फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और प्लीज़ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक का बटन दबाइए। और चलिए 10 मिनट हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से चाकू से मैं अच्छी तरीके से इस तरह से निकालना है ताकि ये टूटे ना। और चलिए सब तैयार हो गया, तो अभी हम इसे लगा लेते हैं सर्विंग प्लेट में। आप इसे किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।